आपने अभी तक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का नाम खूब सुना होगा और इनके दिव्य दरबार भी देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ऐसा भी दिव्य दरबार लगता है जो बगैर परिचय के आपकी जन्म कुंडली से लेकर भविष्य की बातें तक बता देते हैं। भिंड जिले में इन दिनों दिव्य दरबार काफी चर्चाओं में बना हुआ है। लोगों का आस्था केंद्र बने दरबार में लोगों को काफी भीड़ देखी जा रही है। आइए जानते हैं दरबार की पूरी कहानी के बारे में। दरअसल भिंड जिले के महंगा गोरमी तराई के पास स्थित भूमिया बाबा मंदिर पर हर गुरुवार को शुक्रवार को बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दराज से क्षेत्र में श्रद्धालु पहुंचते हैं तथा बाबा की शरण में आकर अपनी पीड़ा की उनके चरणों में अर्पण करते हैं। इसे और भक्तों के द्वारा अपनी श्रद्धा के अनुसार भंडारा, अखंड रामायण का पाठ, कभी कभी भागवत का आयोजन भी समय समय पर किया जाता है। यह दरबार भूमिया सरकार के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर भक्तों के लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। भिंड जिले के दरबार के लोगों का आस्था केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर पर्चे नहीं बनाए जाते बल्कि आपका चेहरा देखकर ही आपको भविष्य पहचान लिया जाता है और आपकी साथ ही पीड़ा को समझ भी लेते हैं। जिले का यह दरबार महंत हरिओम महाराज दास जी महाराज द्वारा बताते हैं भूमिया सरकार पर यह जो भी आस्था लेकर आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता है। दरबार में खासकर भाद्रपद माह में भंडारे का आयोजन वैसा माघ चतुर्दशी को भूमिया बाबा के जन्मोत्सव पर विशाल धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे भूमिया बाबा का दरबार चल रहा है वैसे हर किसी का दरबार चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो दरबार चला रहे हैं वो अपनी अपनी जगह पर सही सत्यता से चला रहे हैं। और यहाँ जो भूमिया बाबा का दरबार चल रहा है वो भूमिया बाबा की प्रेरणा से ही चल रहा है। भूमिया बाबा जो अंदर से प्रेरणा देते हैं उसी आधार पर बताया जाता है, उसी आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है, उसी आधार पर उनकी जो विघ्न बाधाएं होती हैं उनको हटाकर और उनके जो कुल देवी देवता होते हैं उनको बताकर उनकी पूजा करवाई जाती है। क्या मानते महाराज जी, आस्था है या चमत्कार है? ना कोई चमत्कार है, ये सिर्फ आस्था का आस्था है। अगर आपको आस्था है किसी पर तो वो अपने आप ही अपने कार्य करेगी। जैसे अपनी आस्था हनुमान जी पे, तो हनुमान जी अपने वो अंदर से बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं कि महाराज हमारा ये काम हो जाए, तो वो काम अपना हो जाता है। तो उसी आधार पर ऐसे भूमिया बाबा अपनी प्रार्थना करते हैं, काम हो जाते हैं, वो आस्था है, चमत्कार नहीं है, आस्था के आधार पर जो काम होते हैं। कई बार आप भक्तों की परेशानियाँ खुद बता देते हैं, उनके नाम भी बता देते हैं, ये सब कैसे? हमारा नाम बताने का कार्य नहीं है, हमारा समस्या का समाधान करना है। जो भूमिया बाबा प्रेरणा देते हैं वो बोल देते हैं, और अंदर से प्रेरणा आती है उसी आधार पर बोल देते हैं। हमारा नाम बताना कार्य, नाम तो अन्य दरबारों में बताए जा रहे हैं, समस्या भी समाधान हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी दरबार की बुराई करें, और इतने इतने भी सक्षम नहीं है कि अपने किसी के दरबार के बारे में कुछ भी टिप्पणियां दें। जैसे नाम बताते हैं भूमिया बाबा की प्रेरणा से बताते हैं, और नाम बताना महत्वपूर्ण नहीं है, समस्या का समाधान करना महत्वपूर्ण है। हम मोबाइल से देखते देखते कम से कम एक आधी दरबार बचा होगा ना, सबसे सब जगह फिर के हमको इधर 8 महीने हो गए। आता पहली बार आए, हमको 8 दिन का आराम दिया महाराज जी ने, हमको आराम मिला तो हमको बहुत आराम है। हमारी दिक्कत बहुत बड़ी समस्या थी। क्या दिक्कत थी? पहले मैं आज हम बीमार हैं, कल दूसरा है, परसों तीसरा है, इसी में लगे रहते थे। अब आराम है सब लोगों? सब लोगों को आराम है। अच्छा, आपको इनको कैसे पता पड़ा यहाँ? ये मीडिया के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। अच्छा, यूट्यूब के द्वारा पता? हाँ। अच्छा, यहाँ कब से आ रहे हैं? हमको हो गए अब 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए? हाँ। पूरी फैमिली को आराम है? पूरी फैमिली को। क्या कहेंगे इनके बारे में? बढ़िया कहेंगे इनके लिए। क्या कहेंगे आप, क्या मानते हैं इनको? हम गुरु मानते हैं इनको। स्थान है, स्थान कैसा है? एक नंबर स्थान है, हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं। दतिया ने दरबार भी लगवाया महाराज जी का। दतिया के रहने वाले? हाँ, दतिया के रहने वाले। आप अभी कहाँ? दतिया से आओ? हाँ, दतिया से आते हैं। हर गुरुवार को आते हैं? हर गुरुवार को आते हैं। क्या नाम आपका? राघवेंद्र दांगी। राघवेंद्र दांगी।